हेलो दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रोनियम कॉइन का मैं आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें कि बहुत लोग मेरे दोस्त ज्वाइन हुए थे, बहुत से लोग छूट गए थे और बीच में लॉगिन होना बंद हो गया था। तो अभी इलेक्ट्रोनियम कॉइन लाइव हो चुका है, लॉगिन होना स्टार्ट हो गया है। आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बताऊंगा कि लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड और पिन को रिकवर कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको जानना है, ये चीज़ सीखना है तो हमारा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने इस चैनल गुप्ता ट्यूब पर। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहां रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ये बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल या PC पर नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और ट्रेनिंग वीडियो से आपको जानकारी मिलता रहेगा हमारे द्वारा। और साथ ही साथ फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें एनी टाइम अपडेट रहने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो जिस ईमेल आईडी से आप इलेक्ट्रोनियम कॉइन का आईडी बनाए थे उस ईमेल आईडी पे आपको जाना है। और उस ईमेल आईडी पे आपको इलेक्ट्रोनियम कॉइन से मैसेज आया होगा इस प्रकार का। ये देखिए, ये दो दिन का आया हुआ है मैसेज इलेक्ट्रोनियम कॉइन से और ये बोला है इलेक्ट्रोनियम रीलॉन्च ना, 30 मिनट जब लंच होने वाला था तभी का ये आने वाला था। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाया कि क्योंकि स्ट्राइक इस पे बहुत आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने दो दिन रुक के ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो पाए, है ना। तो इसलिए मैं दो दिन का वेट किया और दो दिन के वेट करने के बाद मैं अपना आईडी लॉगिन किया हूँ और सक्सेसफुल हो गया हूँ। तो सेम उसी की तरह आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको लॉगिन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे आना है जिस ईमेल आईडी से आप इलेक्ट्रोनियम कॉइन का अकाउंट बनाए थे। तो उस पे आपको इस प्रकार का मैसेज मिला रहेगा आपको। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ये लिंक मिलेगा myelectronium.com रिसेटिंग एंड रिक्वेस्ट, इस प्रकार का लिंक रहेगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, ये बोलेगा ईमेल आईडी डालने के लिए और आई एम नॉट रोबोट पे आपको टिक लगाने लेना है और रिसेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से अपना वो ईमेल आईडी डाल लेना है जिस ईमेल आईडी से आप इलेक्ट्रोनियम कॉइन का अकाउंट बनाए थे, उस ईमेल आईडी को यहाँ डाल लेना है और टिक लगा लेना है आई एम नॉट रोबोट पर और रिसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, ये लिंक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, बोलेगा न्यू पासवर्ड डालो, रिपीट न्यू पासवर्ड और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। मतलब आप यहाँ पे आप पासवर्ड डाल लीजिए जो आप पासवर्ड डालना चाहते हैं, पुराने वाले पासवर्ड को भूल जाइए। अब यहाँ पे दूसरा पासवर्ड डालिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिए, कैपिटल अक्षर में डाल दीजिए, कुछ स्मॉल लेटर में डाल लीजिए, कुछ @$ इस प्रकार डाल लीजिए और 2-4, 1-2-3-4 ऐसे डाल लीजिए, ठीक है। ऐसे न्यू पासवर्ड में और वही पासवर्ड रिपीट न्यू पासवर्ड में डाल लेना है और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना है और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, मोबाइल नंबर 2FA, ये दूसरे स्टेप पर आप आ जाएंगे। थोड़ा आप नीचे इसको करेंगे, पेज को थोड़ा नीचे करेंगे तो आपके सामने ऐसा दिखेगा नीचे में, और यहाँ लिखा हुआ है +44 यूनाइटेड किंगडम, तो आपको यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है, इंडिया से हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार चूज करने का आपको ऑप्शन दिखेगा, आप इंडिया से हैं तो ये इंडिया +91 इंडिया पर आप टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के बाद ऐसे हो जाएगा, टिक लग जाएगा, ये हो जाएगा और इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे टिक लगाना है और सेंड SMS पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा myelectronium.com से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ ओके पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर पिन आ जाएगा,
कोड आ जाएगा, इलेक्ट्रोनियम कॉइन के कंपनी से आपको मोबाइल पर, आपके मोबाइल पे कोड आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। अब उस कोड को यहाँ पे डाल लेना है, वापस आइए, कोड को देख लीजिए क्या कोड आया हुआ है, उस कोड को याद कर लीजिए और फिर वापस आइए ईमेल आईडी पर। अब यहाँ ईमेल आईडी पर आपको बोलेगा डालने के लिए वो कोड, कन्फर्मेशन कोड, और डालने के लिए बोलेगा वो कोड डाल दीजिए और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कीजिए और सबमिट कन्फर्मेशन कोड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके तीसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। अब रह गया आपको चौथा स्टेप पूरा करना, यानी आपका पासवर्ड सेटिंग हो गया, जो आप पासवर्ड डाले वो हो गया। अब आपको पिन सेटअप करना है, वो कैसे करेंगे, थोड़ा इसको नीचे करेंगे, पेज को थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो इस प्रकार का दिखेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है पिन रिकवरी ईमेल, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालना है जो इलेक्ट्रोनियम क्वाइन में ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, मतलब जो ईमेल आईडी से आप इलेक्ट्रोनियम क्वाइन को रजिस्ट्रेशन किए हैं उस ईमेल आईडी को नहीं डालना है। यहाँ पे आपको दूसरा ईमेल आईडी डालना है रिकवर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा ईमेल आईडी डालिए, इलेक्ट्रोनियम क्वाइन वाला ईमेल आईडी नहीं डालना है यहाँ पे, इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी डालिए और डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से अपना दूसरा ईमेल आईडी डाल लीजिए और ये टिक लगा लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। करने के बाद ये देखिए, ये मेरा बोल दिया पिन रिकवरी कन्फर्मेशन, मतलब आप जो ईमेल आईडी डाले हैं दूसरा, उस ईमेल आईडी पर लिंक गया है, वहाँ पर आपको जाके कन्फर्म करना है। तो चलिए मैं उस ईमेल आईडी पर चलते हैं। ये देखिए मैंने उस ईमेल आईडी पे आ गया हूँ, दूसरे वाला ईमेल आईडी पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, ये लिंक आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसी लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है, इसी ईमेल आईडी पर क्लिक कर लेना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, इसी ईमेल आईडी पे ही आपको लिंक पे ही क्लिक करते जाना है, ये नहीं कि इसको कॉपी करके कहीं और ब्राउजर में ओपन करें, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसी पर अब क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ऐसा पेज ओपन आया, पिन रिकवरी ईमेल सेटअप। अब यहाँ केवल आपको आई एम नॉट रोबोट पे टिक लगा लेना है और कन्फर्म ईमेल एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका चौथा स्टेप भी पूरा हो जाएगा, ठीक है, चौथा स्टेप आपका पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब यहाँ देखिए 5 डिजिट पिन कोड आपको डालना है, अब 5 पिन आपको क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे एटीएम का कोड होता है वैसे यहाँ पे 5 पिन आपको क्रिएट करना है। तो 5 अंक का पिन यहाँ डाल लीजिए, फिर वही पिन कन्फर्मेशन पिन पे डाल दीजिए इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से आपको 5 पिन डाल देना है, जो ऊपर में डालेंगे वही नीचे में डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट पे टिक लगा लेना है और सेव पिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पिन पर आप क्लिक करेंगे आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा, देखिए ये मेरा आईडी लॉगिन हो गया, देखिए ये हो गया, यहाँ पर देखिए मेरा वॉलेट बैलेंस भी शो हो गया, मेरा 9000 कुछ इलेक्ट्रोनियम कॉइन अवेलेबल है, यहाँ बैलेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा बैलेंस भी शो हो गया और यहाँ पे सेंड का और ये ऑप्शन आ गया, इसका वॉलेट एड्रेस आ गया, हमारे इलेक्ट्रोनियम कॉइन का ये वॉलेट एड्रेस आ गया, नीचे एड्रेस है लिखा हुआ है। तो आपने ये देखे कि कैसे मैंने लॉगिन कर लिया। अब आपको को अगर दूसरे ब्राउजर में जाना है तो अब यहाँ से ये ईमेल वाला यहाँ से कॉपी करके, लिंक को कॉपी करके अपने क्रोम ब्राउजर में पेस्ट करके वहाँ देख सकते हैं और सब ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए मैंने ईमेल आईडी से लिंक कॉपी करके अपने क्रोम ब्राउजर में पेस्ट करके ये किया हूँ, लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन होने में अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं थोड़ा लॉग आउट करके इन करके आपको एक बार दिखा दूँ। राइट साइड में 3 लाइन पे, राइट साइड में ऊपर में टॉप में 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन बार आपका ओपन हो जाएगा, ऊपर में 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको ये लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। चलिए मैं लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ कैसे इन करना है। देखिए ये मैं लॉग आउट कर लिया, अब यहाँ पे ऐसा पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये लॉगिन पर यहाँ देख रहे हैं, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है,
लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो अभी आप रिसेट पासवर्ड किए, वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं डाल के और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन करता हूँ। ये देखिए मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया हूँ, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक टिक लगा लिया हूँ और लॉगिन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब आपको वो 5 पिन डालने के लिए बोलेगा, जो आप 5 पिन क्रिएट किए। पहले तो आप पासवर्ड क्रिएट किए, इसके बाद दोबारा जब आप पिन क्रिएट किए 5 अंक का, वो 5 अंक का पिन आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, जैसा आप 5 अंक का जो पिन डाले थे वो 5 अंक वाला वही पिन आपको फिर यहाँ पे डालना है। ये देखिए मैंने 5 पिन वो अपना डाल दिया हूँ, इंटर कर दिया हूँ और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर दिया हूँ और कंटिन्यू पर अब आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं कंटिन्यू पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका। ठीक है, ये रिफ्रेश हो रहा है, ये कुछ देर में 2-3 सेकंड में ये पूरा शो होने लगेगा। मेरा इलेक्ट्रोनियम कितना है, एड्रेस क्या है, सब कुछ शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये लॉगिन हो चुका, ये देखिए मेरा दिख गया, ये मेरा इलेक्ट्रोनियम कॉइन इतना, एड्रेस ये है, बारकोड ये है इलेक्ट्रोनियम कॉइन का, सारा कुछ यहाँ ओपन हो गया। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पासवर्ड को रिकवर करना है, कैसे पिन को रिकवर करना है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, कुछ सवाल हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कुछ गलती किया होगा मैंने तो मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। और हमारा इस वीडियो को आपको पसंद आया, हमारे इस वीडियो को आपसे कुछ लाभ हुआ तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से सीख पाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रोनियम कॉइन का पासवर्ड और पिन रिकवर करना है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका एप्स डाउनलोड करके कि इसका एप्स डाउनलोड कैसे करना है, कैसे उसको सेटिंग करना है, कैसे माइनिंग करना है, नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा एप्स का, इसका एप्स कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको सेटअप करना है, तो ताकि आपके मोबाइल पर और आपके पीसी पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।